उत्तराखंड और देश की पहली महिला डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य का सोमवार देर रात निधन हो गया। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने इसकी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि 72 वर्षीय कंचन भटनागर लंबे समय से बीमार थी। उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। 1973 बैच की महिला आईपीएस अफसर कंचन चौधरी भट्टाचार्य ने साल 2004 में उस वक्त इतिहास रचा था जब वो उत्तराखंड की पुलिस महानिदेशक बनी। उनकी छवि एक सख्त अधिकारी के रूप में रही। 31 अक्टूबर 2007 को वो पुलिस महानिदेशक के पद से रिटायर हुई। उनका पुलिस सेवा का पूरा करियर शानदार रहा। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया। उन्होंने साल 2014 के आम चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ा। कंचन चौधरी भट्टाचार्य किरण बेदी के बाद देश की दूसरी महिला आईपीएस अधिकारी थी। वो मूल रूप से हिमाचल प्रदेश की रहने वाली थी। उन्होंने अमृतसर की राजकीय महिला महाविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से भारतीय पुलिस सेवा तक का सफर तय करने वाली कंचन चौधरी के जीवन पर 90 के दशक में दूरदर्शन का लोकप्रिय धारावाहिक उड़ान बना था। उड़ान धारावाहिक महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित था जो काफी फेमस भी हुआ था। यही नहीं, कंचन को मेक्सिको में 2004 में आयोजित इंटरपोल की बैठक में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए चयनित किया गया था। '97 में प्रतिष्ठित सेवाओं के लिए कंचन को राष्ट्रपति पदक भी मिल चुका है। पूर्व डीजीपी कंचन चौधरी भट्टाचार्य के निधन की खबर सुनते ही उत्तराखंड पुलिस में भी शोक की लहर फैल गई है। बेहद सरल और सहज स्वभाव के कंचन चौधरी भट्टाचार्य ने उत्तराखंड पुलिस के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उत्तराखंड पुलिस ने अपने फेसबुक पेज पे भी उनकी फोटो शेयर कर शोक व्यक्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।